देखिए इस वेले मैं बैठा है डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब अपने फ्रेंड भी हैं, भाई भी हैं, MBBS हैं, हॉस्पिटल है इनका, तो मैंने इनको कह दिया भी मोहल्ला क्लिनिक बन गए हैं तो डॉक्टर जो हैं बहुत पैसे लेते हैं, आँख में लेंस डालने का इतना 3-3, 4-4 हज़ार रुपये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इन्होंने तो मेरी आँखें खोल दी। डॉक्टर साहब जेड़े तुसी कहते हो असं पढ़ाई करके आने लखा रुपये खर्चते हैं, एक तुसा की खर्चते हैं, पढ़ाई की तुसी अपने बिजनेस लिए की या लोगों की सेवा लिए की है? हर एक बंद डॉक्टर तो एक्सपैक्ट करता है कि वो चैरिटेबल सर्विस होगी। सानू दसो जी साढ़े नाल कौन चैरिटी कर रहा है? सानू कार सानू कोई इनकम टैक्स नहीं बचता, सानू कोई GST नहीं बचता, साढ़े जोड़े खर्चे है सानू किसी तरफों दसो, सानू कोई कमर्शियल रेट लै जाते हैं, सानू दसो कि सर्विस फ्री मिलती है कि असी अगर फ्री सर्विस दे, मेरी एक गल का जवाब दे दी, सानू कि सर्विस फ्री मिलती है कि साढ़े को लोग की एक्सपैक्ट कर रहे हैं। देखो जी गल की डॉक्टर साहब ने कहते सू हर चीज जी है कारपोरेशन जी है वो भी सारे टैक्स लगी है, बिजली भी सारे खर्चे बढ़ते हैं, उस तो बाद टैक्स जो भी इनकम टैक्स बढ़ता रहता है, कहते सू चैरिटी कितना आनी चाहिए, कहते सो स्टाफ ही काम करता है 10-20-5-10 हर हॉस्पिटल के जो छोटा छोटा क्लीनिक भी है नर्सिंग होम भी है 5-10 बंदे उस काम करते हैं, उन्हें तनखा देनी पेशेंट आएंगे तो तनखाह दिखाई जाएगियाँ, कहते चैरिटी कि बच्चे पढ़ाई से पहले 1 करोड़ रुपये खर्च करते हैं, हर डॉक्टर का अपना बच्चा होता है उन्होंने पढ़ाते हैं उसके पैसे लगते हैं, क्योंकि कहते हैं डॉक्टर साहब बड़ा रुकते हैं बड़ा पैसा लेंगे ने, आज जो टेस्ट लिखते हैं लैब के उन्होंने जीवन की कमीशन होती है 50% भी इन्नी बेचारे जो है जिन लोग ने एक तो गरीब आदमी है बिल्कुल मैडिकल प्रोफेशन बहुत हद तक बदनाम किया गया है, कोई लैबोरेटरी दे विच टैस्ट नहीं होंदे, 5-5, 7-7 100 दे टोटल टैसट हो जाते हैं, मल्टीनैशनल कंपनीज आ गई है वो अपना पैकेज ऑफर कर दी हैं, 6-6, 7-7 100 दे विच पूरी बॉडी दे चेकअप हो जाते हैं, किहड़े कमीशन है जो कोई RMP अनकुआलीफाइड बंदा किसी को 100-200 रुपया ले लैंदा है तो वो मतलब यह नहीं कि सारे डॉक्टर खराब है, डॉक्टर अपना काम करते हैं मेहनत करते हैं अपनी लाइन के पैसा लेंगे, की करेगा डॉक्टर लैबोरेटरी के थोड़े बहुत पैसे लैके वो थोड़े जे कोई किसी को कोई भेज भी देता होगा, मैं नहीं जानता इस चीज़ बारे, पर उसके उत्ते किसी बंदे का करियर नहीं बनता है, हाँ अनकुआलीफाइड RMP नॉन क्वालीफाइड पीपल जरूर लै रहे होंगे कितने चल रहा होगा बट आई डोंट नो अबाउट इट, पर हाँ मेडिकल प्रोफेशन के बड़ी मेहनत करनी पैंदी है, एक डॉक्टर इतनी मेहनत करता है पहला उन्हें PMT पास करनी पैंदी है, माँ बाप के खर्चे के उत्ते वो कोचिंग लेंदा है, 4-4.5 साल की MBBS करता है, फिर इंटर्नशिप करता है, फिर PG लैण वेले भी पेड उन्हें कई रैगूलर PG मिल जाती है, पर कई ऑफिशियल फीस ही इतनी ज़्यादा है कि मैरिट के आने के बावजूद भी 1 करोड़ रुपये तक उन्होंने फीस देनी पैंदी है, तुसीं उस डॉक्टर तो की फ्री चैरिटी एक्सपैक्ट करते हो, कि वो तुहानू चैरिटी विच देवे, दसो मैनू समझाओ, मैनू भी प्लीज़ एज ए क्लीयर किया जाए। एक चीज़ मैं होर ऐड करांगा कि हिंदुस्तान दे विच मेडिकल सर्विसेज बहुत ही सस्तियां हन इन कंपैरिजन टू एनी अदर कंट्री, हाँ फ्री सर्विस वास्ते बने हुए है हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल दे विच डॉक्टर्स नू पेमेंट लेना उसकी मजबूरी है, उस स्टाफ की तनखा कितों कटेगा, वो बिजली का खर्चा कितों पड़ेगा, वो पानी का खर्चा कितों भरेगा, वो प्रॉपर्टी टैक्स कितों देगा, जो वो खर्चे पूरे करन तो बाद जे उहदे कोल कुछ बचता है तो वो टैक्स देगा, उन्हें अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, फैमिली भी रन करनी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रखना है, और उस डॉक्टर नू डॉक्टर बेचारे जवानी तो बाद 8-4.5 साल की MBBS 1 साल की इंटर्नशिप 3 साल की PG और अजकल जमाना सुपर स्पेशलिटी का आ गया, उस तो बाद सुपर स्पेशलिटी 3 साल की होर करन तो बाद 11-12 साल की तपस्या तो बाद जे डॉक्टर बेचारा अपना गुजारा ही नहीं कर पाएगा वो को चैरिटी तुम एक्सपैक्ट करोगी पब्लिक, और इन्ना करन तो बाद डॉक्टर बेचारे अपनी जवानी तो बाद जवानी भी नहीं मैं आखांगा एडोलेसेंस 17-18-19 साल की उम्र के मेडिकल प्रोफेशन के एंटर करते हैं, पहले 10-12 साल अपना करियर बनाते हैं, फिर उन्होंने 2-4 साल लर्निंग कर दे विच लंघ जाता है, फिर वह कमा के अपनी एस्टैबलिश करते हैं, सीधा एडोलेसेंस किशोरावस्था जवानी भी नहीं देखते दे, सीधा बुढ़ापे एंटर करते हैं,
बिल्कुल उन्हों का स्ट्रगल है। मैं समझदा लोगों को पब्लिक को उन्होंने दिल खोल के पैसा देना चाहिए है। लोग अपनी लाइफ की सारी लग्जरीज से स्पेंड करते हैं, ब्याह शादियों से स्पेंड करते हैं। गरीब तो गरीब आदमी भी अपना शानदार बच्चे का ब्याह करता है पर डॉक्टर नूं फीस देंदे हो उहदे कोल चैरिटी 500 रुपए की या 200 रुपए की फीस देंदे उहदा दिल कटदा। अच्छा डॉक्टर साहब मैनूं गल बड़ी चेते आती है, कहिंदे जे कार खरीदनी ना पानी पुरानी डॉक्टर साहब नूं खरीदो। मैं क्यों? कहिंदे चलांदे घट रहे दा कार हो अपनी महारत हासिल करने दे उस तो चैरिटी एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल तो सरकार जी बिजली घट दे अपना बिजली डिस्काउंट या बिजली फ्री दे बिल्कुल इस चीज़ का एक सोल्यूशन होर है जी। गवर्नमेंट अपने पे लोगों या इंस्टीट्यूशनस अपने लोगों इंश्योरेंस पॉलिसीज देन, हर बंदा अपना रेगुलरली इंश्योरेंस पे करे। जे किसी नूं प्रॉब्लम आती हैगी है सारे हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी नाल कनैक्टेड होण। जे किसी नूं प्रॉब्लम आती है तो उसनूं उहदा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी भरे। मेरे ख्याल उहदे नाल डॉक्टर भी नाराज़ नहीं होणगे, डॉक्टर भी अपना खुश रहणगे, पेशेंट नूं भी क्वालिटी सर्विस मिलेगी। ये सस्ता ते हाई क्वालिटी दोनों चीज़ां कदे नहीं ट्रैवल कर सकदियां। जे किसी काम नूं जिन्ना ही सस्ता करन दी कोशिश कीती जांदी है उत्थे किथे ना किसे लैवल ते क्वालिटी कंप्रोमाइज जरूर हुंदी है। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 500-1000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚਾਰਜਿਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੋ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल सर, मेडिकल सर्विसेज साढ़े लोग जरूर आके शिकायत करते हैं कि जी बहुत महंगे है, डॉक्टर ने लुट लिया, पैसे ले ले। मैं ये भी कहांगा वर्ल्ड दे विच कंपेयर करके देखो, इंडिया दे विच मेडिकल सर्विसेज सारे यूरोपियन कंट्रीज़ तो, सारे नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ तो और एशिया दे भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ तो सब तो लो कॉस्ट दे विच हन अपनी मेडिकल सर्विसेज। और इत्थे मेडिसिन बहुत अच्छी क्वालिटी दी और बहुत घट रेट दे विच अवेलेबल है। फिर भी मैं हैरान हाँ लोग क्यों करप करते हैं। फिर भी मैं देखदा इन्नी मेहनत करन तो बाद डॉक्टर दे पेशेंट दे जोर लवाण तो बाद रोज़ कोई ना कोई डॉक्टर बेचारा कुट खा रहा हुंदा है। ये पेशेंट का बर्ताव है, तुसी उस डॉक्टर तो एक्सपैक्ट करते हो कि वह सारी फ्री सर्विस दे, नॉट पॉसीबल। देखिए डॉक्टर के अरोड़ा ने बहुत सारी बातें कर दी, मैंने तो मजाक किया था लेकिन उन्होंने मेरे को पढ़ने पा दिया कि डॉक्टर की जो मेहनत है ना उसका हम देना नहीं दे सकते, अगर फीस लेते हैं तो उनका खर्चा ही बहुत हुआ है। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। के रोड़ा जी नमस्कार। थैंक यू।